कंटिन्यूइंग विद एक्सरसाइज 4.3. लास्ट वीडियो में हमने 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वी डिस्कस अबाउट दैट. वी डिड द टू मेथड्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, तो टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ दिस एक्सरसाइज व्हिच इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. फर्स्ट पार्ट इज x माइनस 1 बाय एक्स एंड इक्वल टू 3 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. ये इसने ऐसा क्यों बोला है वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0? बिकॉज अगर ये 0 हो जाता है तो 1 बाय 0 इन्फिनिटी हो जाता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे x एलसीएम आ गया LHS का. दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3/1. क्रॉस मल्टीप्लाई आई एम गेटिंग x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज 0. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन. एंड इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है, सबसे पहले हम डी निकालते हैं. डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट क्या है, माइनस 3. तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3. कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस 1. तो ये वैल्यूज है a, b, c की. पुट करेंगे बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू में a इंटू में c. तो आई एम गेटिंग 9 प्लस 4 दैट इज 13. जो हमारा d है वो 13 है. D is 13 and which is greater than 0. 0 से बड़ा है, therefore equation has real and distinct roots. Distinct का मतलब दो अलग अलग roots होंगी हमारे पास. इस equation के दो solution होंगे alpha and beta. तो अब हम alpha and beta कैसे निकालते हैं, by quadratic formula. माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी. डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac. या तो ऐसे लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ डी लिख लीजिए. ठीक है, बाय में 2a. तो पुट द वैल्यूज, माइनस बी तो प्लस 3 हो गया, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 हो गया. प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप निकाल ही चुके हैं. डी की वैल्यू 13 पुट कर रही हूँ, 2 इंटू में ए, 2 वन जा. ठीक है, तो अब ये देखिए प्लस और माइनस को आप 13 जो है, रूट 13, दिस इज एन इरेशनल नंबर. ये आपका सेपरेट, मतलब इसमें से कुछ भी बाहर तो आएगा नहीं, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. तो दो आंसर है आपके, 3 प्लस रूट 13 बाय 2 एंड 3 माइनस रूट 13 बाय 2. दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. तो लाइक दिस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा. जस्ट टेकिंग द एलसीएम, फॉर्मिंग द इक्वेशन, कैलकुलेटिंग द डी. डी अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है. एंड कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, इसी का जो आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट इज 1 बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 7 11 बाय 30. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है. टेकिंग द एलसीएम x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7. इन द न्यूमिरेटर यू आर गेटिंग x माइनस 7, x प्लस 4, 11 बाय 30. सॉल्विंग द न्यूमिरेटर, देखो मैं यहीं पे सॉल्व करके बता रही हूँ, ये कैंसिल हो गया. माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11, x प्लस 4, x माइनस 7, 11 बाय 30. ये 11 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, माइनस 1 बच जाएगा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 30 इसको इधर लेके जाएंगे, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28. पूरे इक्वेशन को एक साइड लेके इक्वल टू 0 रख लेते हैं. एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 दैट इज प्लस 2.
इक्वल टू में जीरो। इसको आप चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लीजिए, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगे। अगर हम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो ये फैक्टर बन जाएंगे आपके, टेकिंग x कॉमन x माइनस टू माइनस वन कॉमन x माइनस टू, एंड आई एम गेटिंग x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज जीरो, x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू इज द आंसर। जब फैक्टर्स इजिली बन जाते हैं तो मेनली फैक्टराइजेशन लगा लेते हैं, नहीं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर्थ इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एच 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। एक ना रहमान नाम का कोई मतलब बंदा है, उसकी ना 3 साल पहले की एज और आज से 5 साल बाद की एज, उनका रेसिप्रोकल का सम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रहमान की प्रेजेंट एज ले रही हूँ एक्स, तो रहमान्स एज 3 years एगो, एक्स माइनस थ्री हो जाएगी आज से 3 साल पहले, और 5 years फ्रॉम नाउ आज के 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, आज के 5 साल बाद एक्स प्लस फाइव होगी। ठीक है, अब इसने बोला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इन दोनों एजेस के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब इसको उल्टा करना है, इनका सम, ठीक है दोनों को रेसिप्रोकेट कर दिया, उनका सम इज 1/3। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, सिंपल इक्वेशन बन चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने जैसे अभी सॉल्व किया था, टेकिंग द एलसीएम यू विल गेट x प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री 1/3, हियर यू आर गेटिंग 2x प्लस टू x माइनस थ्री, मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 1/3। नाउ मैं इसको क्या कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई एम गेटिंग 3 2 6x 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन को एक साइड लेके जाके जीरो, देखो ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 माइनस 6x तो ये हो गया माइनस 4x, माइनस 15 माइनस 6 11 ही हो जाएगा, माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहे वहां से कर लीजिए, नहीं तो फैक्टर बना लीजिए। 21 के फैक्टर्स होते हैं 7 3s are 21, तो 7 and 3 से 4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 7, 3 कॉमन x माइनस 7, x माइनस 7 x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 7 आ गई, यहां से x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। अब एज क्या थी हमारी, एज है ना, x का मतलब क्या है, एज, तो ये हमारी रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि एज कैनॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 years। दिस इज द क्वेश्चन, आई थिंक समझ आ गया होगा क्या करना था। प्रेजेंट एज लिए, 3 साल पहले की एज माइनस 3, 5 साल बाद की एज x प्लस 5, दोनों का रेसिप्रोकल करके उनका सम करना है, बराबर दिया हुआ है 1/3 के। जस्ट फॉर्म द इक्वेशन, कैलकुलेट द आंसर एंड एक्सर्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ क्लास टेस्ट हुआ था, सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स और इंग्लिश दो सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के मार्क्स मिला के 30 आए हैं। ठीक है, हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स, अब मान लो मैथ्स में x आई है और इंग्लिश में y आए हैं, पता नहीं कितने आए हैं, हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ, अगर उसे मैथ में 2 नंबर ज्यादा मिले होते, मिले नहीं है होते, ठीक है, तो x प्लस 2 हो जाते उसके मैथ्स के नंबर, एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते, जितने अब मिले हैं ना उससे 3 नंबर कम, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स, तो इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, वुड हैव बीन 210।
तो प्रोडक्ट कितना आता 210। फाइनल मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो हमें मार्क्स निकालने हैं, ये एक्स और वाई निकालना है हमें। नाउ मैंने क्या किया था, दो नंबर ले लिए एक्स और वाई, मान लो मैथ्स में एक्स मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में वाई आए हैं, टोटल मिला के 30 आए हैं। अब मान लो मैथ्स में दो नंबर ज्यादा मिले होते, इंग्लिश में तीन नंबर कम मिले होते, तो प्रोडक्ट कितना आता 210। तो ये हमारी दो कंडीशंस है, इनको हमें आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो x इंटू वाई आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था x इंटू वाई हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, x इंटू वाई नहीं चाहिए हमें। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 माइनस वाई आ गई, पुट करिए इसमें, इस इक्वेशन में जहां भी x है 30 माइनस वाई प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट y माइनस 3 210, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 2 32 माइनस वाई माइनस 3 210। वाई में इक्वेशन आ रही है, चेक करते हैं इसको, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y 210, एक तरफ लेके आ रहे हैं उसको, वाई स्क्वायर 32 एंड 3 कितना हो गया 35, माइनस का 35y और ये हो जाएगा आपका 210 प्लस 96 306 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वी विल गेट y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, इंग्लिश के मार्क्स हमने y लिए थे, y की वैल्यू 17 और या 18 ऐसा कुछ आएगा, 17 18 87 जा, ठीक है 17 into 18 आ जाएगा आपका ये, y कॉमन माइनस 18 कॉमन, तो यहां से आपकी दो ब्रैकेट्स बन रही हैं, वाई की वैल्यू दो आएंगे आपकी, वाई की वैल्यू या तो 18 है या फिर 17 है, टू वैल्यूज आ गई, जो वाई की वैल्यू आई है यहां पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, पुट इन 1, तो अगर y की वैल्यू 18 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इफ y इज 18 तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है, एंड इफ y इज 17 तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, 12 एंड 13, तो ये दो आंसर आएंगे आपके, ठीक है। तो मतलब अगर मैथ्स में आपके 12 नंबर है तो यहाँ पे आपके 18 होंगे, अगर मैथ्स में आपके 13 मार्क्स हैं तो यहाँ आपके 17 होंगे, दीज आर द टू आंसर्स। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, करा क्या है, मार्क्स ले लिए एक्स वाई, टोटल 30, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसने कहा था, दो नंबर मैथ में ज्यादा, इंग्लिश में तीन नंबर कम, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 210। फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के, मैंने एक्स की निकाल ली है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में एंड गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स, एक रेक्टेंगल है इसका जो डायगोनल है वो 60 है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो ये एंगल 90 होएगा रेक्टेंगल में, सॉरी द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड ये है ना, ये क्या बोल रहा है, डायगोनल इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है, शॉर्टर साइड मान लो बी सी ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस एक्स, छोटी वाली साइड से 60 मीटर ज्यादा है, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड इज, लॉन्गर साइड ये है रेक्टेंगल की 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, ये जो साइड है ना
वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है, डायगनल तो 60 ज्यादा है और जो दूसरी साइड है वो 30 ज्यादा है, ठीक है। शॉर्टर साइड से हमें निकालनी है साइड्स ऑफ द फील्ड। देखिए ये जो ए बी सी है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, 60 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 प्लस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये एज इट इज रखा है मैंने, इसको ओपन कर रही हूँ, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। कैरिंग ऑल द टर्म्स टू वन साइड, ये एक्स स्क्वायर तो आपका कैंसिल ही हो गया, बाकी आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस 120 हो गया तो माइनस का 60x एंड 3600 एंड हियर यू विल गेटिंग 900, तो ये आ गया आपका 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर्स करने मुश्किल है इसके, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए मैं कंपेयर कर रही हूँ इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -60, सी की वैल्यू आ गई -2700। नाउ कैलकुलेट डी, बी स्क्वायर -4ac, बी का स्क्वायर -60 स्क्वायर 4 × 1 × -2700 3600 प्लस 10800 एंड यू आर गेटिंग 3 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल और दो अलग अलग हमें रूट्स मिलेंगे। तो अल्फा एंड बीटा क्या होता है, -b अंडर रूट डी बाय में 2a, ठीक है। तो इसकी जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac रखते हैं, वो हम निकाल ही चुके हैं। -b माइनस ऑफ -60 अंडर रूट डी का मतलब, ठीक है, 2 × a मतलब 2 हो जाएगा प्लस माइनस, ये आपका देखिए ये 10 और ये 12 का स्क्वायर है, 12 × 12 = 144, तो ये 120 आ गया आपका बाय में 2, तो यू आर गेटिंग 60 + 120/2 या 60 − 120/2। यहां से यू आर गेटिंग 180/2 दैट इज 90 और यहां से -60/2 दैट इज -30। अब x जो है ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है ना, ये दो वैल्यूज अल्फा और बीटा जो आई है हमारी, या तो x ये है या x ये है। अब x क्या था, साइड, तो नेगेटिव तो वो हो ही नहीं सकती, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये वाली साइड कितनी हो गई आपकी 90, ठीक है। लॉन्गर साइड कितनी हो गई, 90 + 30 = 120 और ये कितनी हो जाएगी, वैसे पूछा नहीं है डायगनल, जस्ट साइड्स पूछिए, लेंथ एंड ब्रेथ 90 and 120, ठीक है। तो वी हैव डन द क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 6, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा, बाकी के क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।